मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रदेश की 2010 करोड़ रुपए की लागत की 170 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसमें जिला फतेहाबाद की भी 500 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाएं शामिल है। राज्य स्तरीय समारोह करनाल के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र मैं कह सकता हूं अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहां उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। जब मुजफ्फर का मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई वेज हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष से अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4% यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाते हैं, ये हमारी एक उपलब्धि है। जिला स्तरीय कार्यक्रम डीपीआरसी सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में फतेहाबाद से विधायक दुड़ाराम और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के दौरान जिला फतेहाबाद को लगभग 497,66,48,000 रुपए की 26 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली, जिनमें उद्घाटन की 8 विकास परियोजनाएं शामिल है। उन पर कुल 46,83,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई है, जबकि शिलान्यास की 18 विकास परियोजनाओं पर कुल 450,85,48,000 रुपए खर्च होंगे। सोनीपत में एक और सिरसा में एक सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया जा रहा है। सिरसा में 132 किमी का एक और सब स्टेशन इस मौके पर वहां की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इन सब की कुल अनुमानित लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है। 105 करोड़ से अधिक की लागत से सिरसा में 33 किमी के साथ हिसार में 4, जींद में 1, रेवाड़ी में 4 और फरीदाबाद में 66 किमी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। लगभग 58 करोड़ रुपए से पलवल में 66 किमी के एक सब स्टेशन का उद्घाटन और 230 किमी के एक सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया जा रहा है। सड़क और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की